वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जरी स्टाइल कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी हेयर फॉल के एक प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और इसमें सिर्फ मैंने एक इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है और आपको बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, बहुत इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो चलिए अब आप देख लीजिए वो एक इंग्रेडिएंट क्या है और आपको किस तरीके से इसे प्रिपेयर करके यूज़ करना है। तो चलिए आप वीडियो देख लीजिए, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक अनियन और मैं एक ले रही हूँ, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग एक या एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमें जस्ट इसको पील ऑफ करके इसका छिलका निकालने के बाद इसे ग्रेट कर लेना है और इसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। मैं बता दूँ दोस्तों कि मैंने यहाँ पर अनियन जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, और मैं बता दूँ इसमें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हेयर फॉलिकल को नरिश करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और साथ ही इसमें स्कैल्प के खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को वापस भी लौटाने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अनियन जो होता है वो काफ़ी रिच सोर्स होता है सल्फर का, जो कि बालों की ब्रेकेज और उसको पतला होने से रोकता है। एंड इसमें इसके साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि स्कैल्प में हुए किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को बचाता है होने से, डैंड्रफ को होने से रोकता है, बालों को जल्दी सफ़ेद होने से रोकता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जस्ट सिर्फ एक अनियन जूस ही काफ़ी है आपकी हेयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आप इसमें कुछ मिक्स मत कीजिए, जस्ट इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है और मैं इसे स्प्रे बॉटल में डाल दूँगी। आप इसे स्प्रे बॉटल में डाल करके यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये इस स्प्रे बॉटल में डाल लिया था अनियन जूस जो है। ओके, तो गाइज, अनियन जूस में, अनियन में होता है सल्फर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो आपको सिंपली इस स्प्रे बॉटल से, या फिर अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप अपने बोल से कॉटन लीजिए, उसमें डिप कीजिए और कॉटन से अपने पूरे स्कैल्प पर आपको इसे अप्लाई करना है। ओके, ये बहुत ही अच्छा है हेयर फॉल के लिए, और जितनी बार भी आप 2 to 3 times अगर आप अपने हेयर वॉश करते हैं तो उससे 1 घंटे पहले आपको इस अनियन जूस को अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है बहुत अच्छे तरीके से, और फिर शैम्पू कर लेना है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो फिर आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट दिखाई देंगे। मैं कह रही हूँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो फिर आपको 1 to 2 months में आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा, और अगर आपका थोड़ा कम एवरेज हेयर फॉल होता है तो फिर बहुत ही जल्दी 2-3 बारी के यूज़ से ही आपको इसका असर जो है वो दिखाई देने लगेगा। ओके, बट इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो फिर आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इज़ नॉट गुड। उसको आप बहुत इस तरीके की रेमेडी से सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका मतलब एवरेज है या इतना है कि घर पर कंट्रोल हो सकता है कुछ रेमेडीज़ वगैरह करके, तो फिर आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ आप अपना जो शैम्पू एंड कंडीशनिंग का जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसमें आप बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, पैराबेन एंड SLS फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम में। नेक्स्ट, आपको अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप शैम्पू कंडीशनिंग करके या फिर सिर्फ अनियन जूस सर पे लगा करके अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। यस, रोक सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपको अच्छा खाना भी ज़रूरी है। लाइक आपकी बॉडी में जो जाएगा या जो जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके
हेयर्स को. ओके, तो आपको अपनी डाइट्स में है, डाइट्स में जो है वो प्रोटीन इंक्लूड करना है. ऐसा खाना आपको खाना है या ऐसा चीज़ें आपको खानी है जिससे कि आपको प्रोटीन मिल सके, और प्रोटीन की वजह से ही आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है. ओके, आप अच्छा फूड लीजिए, और साथ ही अगर आप एग खाते हैं आप एग खा सकते हैं, और आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं जिससे कि आपका हेयर फॉल का, फ्लैक्स सीड्स जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए. एंड विद दैट आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर खाने हैं. तो सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा अपना खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. उसके साथ आप इसको यूज़ कीजिए तो फिर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. बट अगर आप सिर्फ इसी के भरोसे रहेंगे तो उससे नहीं हो पाएगा. आपको इसके साथ साथ अपना खाना पीना भी सही करना होगा, और अगर आप वो ठीक कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली दिस विल वर्क ऑन यू लाइक अ मैजिक. ओके, मैंने इसे कई बार इस्तेमाल किया है और मुझे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है. तो इसके यूज़ से मेरा हेयर फॉल जो है वो काफ़ी कम हुआ है. तो आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा. सो विद दिस आई फिनिश माई वीडियो गाइज. अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और आपको क्या अच्छा लगा है और आप किस तरीके की वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं आप नीचे कॉमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं. एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे प्रेस कर लीजिए, और साथ ही आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है. तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.